आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। विधानसभा में वोटिंग हुई है और बिजली को लेकर विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया था वो गिर गया है। पक्ष और विपक्ष के बीच वोटिंग हुई, विधानसभा में बेल बजाया गया। विधानसभा का जो नियम के मुताबिक सभी दरवाजे को बंद कर दिया गया क्योंकि बेल बजाने के बाद कोई अंदर नहीं आ सकता है। बिजली बिल संबंधी विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया है और हां और ना में ये फैसला हुआ है। तो मैं आपको बता दें कि कल ही विनियोग विधेयक को लेकर हंगामा किया गया था और यह कहा गया था कि जिस तरीके से जो नियम कहते हैं कि बेल बजे, विधानसभा का दरवाजा बंद हो, उसके बाद वोटिंग हो, आज बिजली को लेकर जो बिल विपक्ष ने दिया था वो विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया है, हां और ना में ये फैसला हुआ है। जो इसके पक्ष में है वे हां कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। तो स्पीकर को आपने सुना, दरअसल नियम यही कहता है कि पहले बिल बजाया जाएगा, उसके बाद दरवाजे बंद होंगे, उसके बाद किसी भी बिल, जो भी बिल वहां पर रखा गया होगा उस पर वोटिंग होगी। ध्वनि मत से भी हो सकता है या फिर वोटिंग से भी हो सकता है। आज बिजली को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया, दरअसल विपक्ष का वो प्रस्ताव गिर गया है। जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र से बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, बिजली को लेकर विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया था वो फिलहाल गिर गया है। कल की बात करें तो कल विनियोग विधेयक को लेकर भी वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्ष ने कहा था कि उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन आज भी वही हुआ, ध्वनि मत से ही ये प्रस्ताव गिरा है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल राजेश, ये एक सिस्टम होता है या कहें कि एक जो नियम है विधानसभा का, अगर कोई किसी प्रस्ताव पर या किसी कटौती प्रस्ताव पर जब विपक्ष मांग करता है कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, तो विधानसभा अध्यक्ष जो एक नियम है उसके तहत पहले बेल बजती है और फिर दरवाजे बंद किए जाते हैं। अब चूंकि कल से सबक लिया हुआ था जो सत्ता पक्ष है उसने, आज उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी और जब हां ना में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया या जो अस्वीकार हुआ जो विपक्ष का कटौती प्रस्ताव था, जो बिजली बिल में संशोधन का सरकार वो लाई थी, विधेयक लाई थी, तो उसके बाद जो है विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं है। उसके बाद कई शब्दों में संशोधन की बात विपक्ष की ओर से दिया गया तो वो प्रस्ताव भी उनके लगातार एक एक करके गिरते गए, क्योंकि आज जो है सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या ठीक ठाक थी। और ये कहे कि पिछले 3 दिनों से लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं, जो परसों वहां पे वोटिंग हुई थी तब 92 और 64 का आंकड़ा था, लेकिन कल जैसी स्थिति बनी थी, कल जो जो बजट था, बजट पास होना था और बजट को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर हुआ था उसको लेकर विपक्ष का एक कहे कि कड़ा तेवर था। और उसके बाद उन लोगों ने लगातार 1 घंटे तक जो स्पीकर हैं उनके कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया था, धरने पर बैठे थे। और आज भी जब सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली तो उस समय भी ये कहा गया कि आज इस मुद्दे को हम लोग रखेंगे। और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था तो विपक्ष के सदस्यों ने, जो ललित यादव हैं उन्होंने उस मुद्दे को रखा था, उसके बाद जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने भी उठाया था, जिसका सत्ता पक्ष की ओर से जो श्रवण कुमार हैं संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने जवाब दिया था, और फिर जो पथ निर्माण मंत्री हैं नंदकिशोर यादव उन्होंने भी सरकार का पक्ष रखा था, और फिर उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय चौधरी उन्होंने कहा था कि जो स्पीकर है या जो पीठ है वो सर्वोपरि है, ये सब सदस्य मानते हैं और हम सबके साथ न्याय करते हैं, यहाँ से कोई किसी तरह का जो बायसनेस नहीं होता है और हम जो नियम कानून कहता है उसी के अनुसार काम करते हैं। और उसके बाद जब आज प्रश्नकाल चला था और जब शून्यकाल के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही, तो उस समय जो SC ST एक्ट है उस पर उसमें जो संशोधन हुआ उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, उसका फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको लेकर जो पक्ष और विपक्ष के SC ST विधायक हैं, दलित विधायक हैं, उन्होंने विशेष जो है चर्चा करने की मांग की थी जिसको स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया, तो उसको लेकर उस समय काफी हंगामा हो, तब कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद विधानसभा परिसर में ही सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी सब विधायक आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी और उनकी ये मांग थी कि केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, और उसमें जो बिहार सरकार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, भवन निर्माण मंत्री हैं, वो भी शामिल थे और बीजेपी के विधायक थे, JDU के विधायक थे, और उनका कहना था कि हम लोगों की संख्या है 41 की संख्या में हमारे सदस्य हैं और हम इसको लेकर जो है हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि हमको हमारा न्याय मिले और जो SC ST जो एक्ट है वो पुरानी स्थिति में रहे। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल
जो मोरल वो है शैलेंद्र, तो जाहिर सी बात है हालांकि विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया है, लेकिन इस बहाने ये कह सकते हैं कि कामकाज हुआ है विधानसभा में, क्योंकि तरीका भी यही है कि आखिरी जो फैसला है वो स्पीकर को लेना होता है और ध्वनि मत से बिजली को लेकर विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया। बहुत शुक्रिया।